इमरान खान के भांजे जी, माशाल्लाह बिल्कुल सही। अच्छा मुझे ये बताइए कैसी फीलिंग्स रख रहे हैं इस टाइम इमरान खान की रिहाई का ऑर्डर आ गया? नहीं बिल्कुल आए, अभी रिहाई का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, अब बात ये आती है क्या ये लोग मानेंगे हुक्म को। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं, वो देखिए लड़की बाइक के ऊपर खड़ी हो कि इतना जज्बा है कि आप बाइक के ऊपर चढ़ के बिना खतरे के कैसे वीडियो बना रहे हैं। मैं बस इसी टाइम का वेट कर रही थी कि चल रहे हैं ना, हम नया पाकिस्तान इंशाल्लाह जरूर बनाएंगे। यहाँ पे इमरान खान इंडिया, इजराइल और यूएसए की ताकतों को सामना कर सकता है? इंशाल्लाह कर सकते हैं, उन्होंने पहले भी किया है और आइंदा भी करेंगे। इस टाइम बहुत मुश्किल से बाहर निकले हैं, यहाँ पर आप बस के अंदर यहाँ पर जज्बाती लोग इतने हो गए हैं कि यहाँ पर इस टाइम आजादी के नारे लगा रहे हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा साइड में, थोड़ा सा साइड होना। फौज में एक आदमी को जो भट्टो साहब को ऑर्डर होता है शहीद कर दिया, फांसी दे दी, एक ही जनरल को फांसी दी कोर्ट ने, उनको सूट मार के दफनाया गया, ये क्या फर्क है? ये मुल्क है कि नमाज अदा करेगा इंशाल्लाह, फिर जश्न मनाएंगे और जश्न ऐसे मनाएंगे ना कि दुनिया याद करेगी कि वाकई ये आवाम। व्यूअर्स इमरान खान की रिहाई का मंजूरी हो गई है, एक न्यूज आई है जिसकी वजह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग इतने खुश हैं कि कंटेनर्स के ऊपर चढ़ के अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत से लोग उससे मौजूद हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की खुशी का जश्न मना रहे हैं कि हमारा लीडर इस टाइम रिहा हो गया। तो ये जंग का माहौल जो है मजीद नहीं चलेगा, यहाँ पर अब अबुल अमन जो है पाकिस्तान बन चुका है। और आगे मौजूद यहाँ पर जो लोग हैं उनसे पूछते हैं कि आजादी लेने के बाद कैसी फीलिंग आ रही है कि आजाद हो गया हम लोग। तो यहाँ पर आगे लोगों की जाने बढ़ते हैं और लोगों से पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, इमरान खान की आजादी हमारी आजादी, उनकी रिहाई हमारी रिहाई, कैसा फील कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, यही तो हम जज्बात चाहते हैं कि इमरान खान जो है हमारा लीडर है और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा ऐसे ही हमारे साथ है। उनकी रिहाई क्यों हुई है? तीन इसलिए रिहाई मिल गई, तीन दिन हमने जो मुश्किल सामने की है, तीन दिन उनका मुकाबला किया है, उन तीन दिनों के बाद क्या उनको लगा कि अब ये आवाम खामोश नहीं बैठेगी, क्या यही वजह है? तो पता था कि आवाम खामोश नहीं रहेगी, आवाम के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, तीन साल भी आवाम को लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे पाकिस्तान की आजादी के लिए। यहाँ पर लोग रो रहे हैं, वो औरतें रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, खुशी इतनी ज्यादा है, जज्बा इतना ज्यादा है कि वो रोने लग गया। क्या लगता है इमरान खान एक नया पाकिस्तान बनाएगा? इंशाल्लाह बनाएंगे नया पाकिस्तान, ये बन रहा है नया पाकिस्तान। क्या इमरान खान इंडिया, इजराइल और यूएसए की ताकतों को सामना कर सकता है? इंशाल्लाह कर सकते हैं, उन्होंने पहले भी किया है और आइंदा भी करेंगे। आप मुझे बताइए एक नौजवान तबका हो, क्या इमरान खान इंडिया, यूएसए और इजराइल की ताकत का सामना कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि पुरानी हुकूमत की तरह इमरान खान भी यही कह रहा है कि इंडिया हमारा दुश्मन है? बिल्कुल, इंडिया हमारा दुश्मन तो है ऑलरेडी, सबको पता है, लेकिन हम लोग सिर्फ इमरान खान के साथ हैं और इमरान खान के साथ रहेंगे। आप मुझे ये बताइएगा, आप थोड़ा सा आप मुझे बताइएगा, मुझे लग रहा है कि आपने काफी शैलिंग का मुकाबला किया है, क्या इस टाइम आपकी फीलिंग्स है कि इमरान खान को रिहा कर दिया जा रहा है? बहुत दिल खुश है जी, कल हमने बहुत जुल्म का सामना किया है इनके, पूरा दिन ये डायरेक्ट शेल मार रहे थे मुंह पे, बस अल्लाह ने बचाया हमें। अच्छा, तो अगला यही है कि इमरान खान साहब आ जाए, ठीक है इंशाल्लाह, ये हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। तीन दिन के बाद आज आजादी कैसी लग रही है? बहुत खुशी का दिन है जी, बहुत खुश हो रहे हैं, खुशी की इतनी इंतहा है कि हम आपको लफ्जों में नहीं बयान कर। पाकिस्तान पूरा जश्न मनाएगा इमरान खान की रिहाई? इंशाल्लाह जश्न है जी, इंशाल्लाह इमरान खान साहब सबसे आगे पहुंचना की नमाज अदा करेगा इंशाल्लाह, फिर जश्न मनाएंगे और जश्न ऐसे मनाएंगे ना कि दुनिया याद करेगी कि वाकई ये आवाम, पहले तो खान हमारे सिर पर था ना, जब खान पकड़ा गया फिर आवाम उनके उनके लिए थी। मुझे ये बताए इस टाइम जो इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, दूसरी ताकतें जो हम पे इस टाइम में बहुत बुरी तरह हावी हो रही है, ये कह रही है कि पाकिस्तान जो है पहले तो टेरर फैलाता था, अब जंग का माहौल पाकिस्तान में बना, क्या उनको एक जवाब है पाकिस्तान की लोगों की जानिब से कि हम पूरा अमन माहौल बना सकते हैं? इंशाल्लाह हम ये जवाब देंगे कि हम पूरा अमन लोग है, पूरा अमन कौम है, इंशाल्लाह हम लड़ाई थी एक हद तक लेकिन हम एक कौम है, इंशाल्लाह हम दिखाएंगे कि अब पूरे पूरा पाकिस्तान को, इंशाल्लाह। यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम, सलाम, इमरान खान के भांजे जी, माशाल्लाह बिल्कुल सही। अच्छा मुझे ये बताइए कैसी फीलिंग्स रख रहे हैं इस टाइम इमरान खान की रिहाई का ऑर्डर आ गया? नहीं बिल्कुल आए, अभी रिहाई का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, अब बात ये आती है क्या ये लोग मानेंगे हुक्म को।
रिहाई किस बेस पे हुई है? अवाम का जज्बा देके उन्होंने ये सोचा कि अवाम अब रुकने वाली नहीं है? नहीं, गैर कानूनी रिहाई थी, कानूनी गिरफ्तारी थी, अगवा किया था, वो गैर कानूनी था। अच्छा मुझे ये बताए कि अवाम जो है इमरान खान के लिए लड़ रही यहाँ पे, हमेशा हर किसी की रिहाई हुई है, लेकिन ऐसा जज्बा अवाम में नहीं देखा जो इमरान खान के लिए, क्या वजूहत है? देखिये, एक तो हम सारे को पता है माशाल्लाह खान साहब कितने उनकी मकबूलियत क्या है, लोगों को कितना प्यार है उनसे, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में। आप क्या अगर कनाडा के नजारे देखेंगे, इस तरह लंदन में लोग निकले, मिसिसॉगा में लोग निकले, बेताश दुनिया में लोग निकले, उनकी लोगों को सिर्फ ये डर था कि जिन लोगों ने इनको पकड़ा है वो उनकी 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 जान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सच्चा ये था, गिरफ्तारी एक चीज है, लेकिन हमें ये पता है कि किस तरह के लोग हैं जो पीडीएम और उनमें सुलतकार है, वो किस तरह के नासिर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका डर था। तो ये मैसेज हमारी आवाम को आप देना चाहते हो? नहीं, क्या अभी हमने एहतजाज पुरमन किए, अब हमारे जब ये रिहा करेंगे फिर हम खुशी में बाहर निकलेंगे, तो जश्न के बाहर निकलेंगे। लेकिन जहाँ इन लोगों का पता है जो अभी तक इनकी जो हिस्ट्री चल रही है, ये रिहाई करेंगे भी ये कुछ और ड्रामा करके गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे तो फिर हम बाहर निकलेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, इमरान खान के भांजे से तो बात कर ली, आप मुझे बताएं इस टाइम जो माहौल बना हुआ है क्या खुशी है आप लोगों की? जाहिर है जी, जो कोई किसी की रिहाई होगी वो खुशी में तो आएंगे ना जी। जो दो दिन से स्ट्रगल कर रहे हैं, जो दो दिन से परेशानियां काट रही है पूरी पूरे मुल्क में, इस टाइम खुशी का आलम है। इस टाइम रिहाई हुई है, जो इस टाइम मुल्क एक जगह रुक गया था एकदम खुशी के आलम में वो दोबारा चल पड़ा। क्या लगता है? एक आदमी की गिरफ्तारी से पूरे मुल्क को एक जगह स्टिक करके रख दिया, एक गिरफ्तारी के लिए। आप क्या पैगाम दे रहे हैं दुनिया को? सही बात। अगर आपने कोई तफ्तीश करनी है, आपने कोई करना है, अगर एक आदमी की तफ्तीश से पूरा मुल्क स्टिक होता तो उसको रात एक घर में तफ्तीश कर ले, जब उसके ऊपर आयद हो जाए आप उसे गिरफ्तार करें। दुनिया में ये लॉ है। कल आए शहबाज शरीफ साहब, हमारे वजीर आजम बाजीवा, हमने बेगम ये हुआ, हमने ये क्या हो रहा है? सारे को एमपीओ के तहत आपने गिरफ्तार कर लिया। फौज में एक आदमी को भट्टो साहब को ऑर्डर होता है शहीद कर दिया, फांसी दे दी, एक ही जनरल को फांसी दी कोर्ट ने, उनको सूट मार के दफनाया गया। ये क्या फर्क है? ये मुल्क है? आप कहते हैं कानून की बालादस्ती होगी, उसी जनरल को उसी अदालत ने फांसी की सजा दी तो आपने उसको सूट मार के दफनाया, और उसी जगह पे एक वजीर आजम को फांसी की सजा हुई, फांसी चढ़ा दी, तो फर्क कहाँ आ रहा है? आप ये फर्क को देखिए, और वो एसपीआर बयान दे रहा है कि दोगलापन है, जब वो कह रहा फौज हमारी है, सब कुछ हमारा है, तो फिर आप कह रहे दोगलापन है? दोगलापन एक आदमी की से तो फौज नहीं है, फौज पूरा इदारा है। मैं कह रहा हूँ कि मैं इस आदमी को कहता हूँ कि वो शामिल है, आप तफ्तीश करने की बजाय कह रहे हैं इदारे को आपने गाली बख दी। नो, इदारे को गाली नहीं बख्ती, वन पर्सन को कह रहा है कि वो मेरे तफ्तीश करे, तफ्तीश करने की बजाय आपने उसको गिरफ्तार कर लिया। 1947 में जब आजादी मिली थी, आज की आजादी क्या फर्क है इन दोनों आजादी में? नहीं, आजादी मिली नहीं हमें, आजादी की जंग तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर हूँ। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर और लोग हैं, यहाँ पर जज्बाती लोग इतने हो गए हैं कि यहाँ पर इस टाइम आजादी के नारे लगा रहे हैं। थोड़ा सा आगे जाते हैं, थोड़ा सा साइड होना, थोड़ा सा साइड होना, बहुत मुश्किल से बाहर निकले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों का इतना ज्यादा जज्बा है कि लोग
पागल हो गए, बावले हो गए कि इस टाइम इमरान खान को जो आजादी मिली है। यहाँ पर आप पेपर देख सकते हैं, वो देखे लड़की बाइक के ऊपर खड़ी होके इस टाइम वीडियो बना रही है, लड़की वो लड़का हो एक जज्बा रख रहे हैं कि इमरान खान यहाँ हो गया और आज हम किसी भी ताकत का मुकाबला कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी आप? इमरान खान यहाँ हो गया, मैंने देखा थोड़ी देर पहले रो रही थी, क्या जज्बात है आपके? शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने खान साहब को रिहा किया, इससे ज्यादा क्या खुशी। जान में हमारी जान आई क्योंकि हमारी जान वहीं पे अटकी हुई थी। इमरान खान हमेशा अपने एक स्पीच में ये कहते थे, हमेशा स्पीच करने कहते थे, मुकाबला करेंगे हम, जज्बा रखेंगे एक लेवल का रखेंगे, मतलब एक ताकत से अगर हम ट्रेड करेंगे, ताल्लुक रखेंगे तो लेवल का रखेंगे। लेकिन हम अपनी अब की हुकूमत का देखते हैं जो हमेशा यूएस के सैंक्शंस के नीचे आता है, क्या आपको लगता है नया पाकिस्तान बनेगा? इंशाल्लाह, क्यों नहीं, इंशाल्लाह जज्बा लेके हम चल रहे हैं ना, हम नया पाकिस्तान इंशाल्लाह जरूर बनाएंगे। यहाँ पे औरत और मर्द हो इस टाइम एक मुकाबिल है, बेशक हम पिछले 3 दिनों से इधर हैं, शैनिंग बर्दाश्त कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। ये इमरान खान अपनी जंग नहीं लड़ रहा, ये हमारे बच्चों की जंग लड़ रहा है, और हमने अगर नहीं उसका साथ देना तो फिर तो हमारे बच्चों का फ्यूचर बर्बाद होना है, उसका तो कुछ नहीं जाना, उसके बच्चों का तो फ्यूचर बना हुआ है, उसको क्या जरूरत है? हमने अपनी जंग लड़नी है, ये हम अपनी जंग लड़ रहे हैं। व्यूअर्स आप लोगों ने यहाँ पे देखा है कि एक मर्द एक औरत एक मुकाबिल, यहाँ पर ऐसा नहीं था, अब आज तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है औरत मर्द एक मुकाबिल आए हुए हैं। यहाँ पर हर तरह के लोग इससे मौजूद है, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक। थोड़ा सा एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम। बच्चे भी अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर क्या करने आयो? इमरान खान की, इमरान खान के लिए आयो। अच्छा, इमरान खान की शर्ट भी पहनी हुई है, बिल्कुल इमरान खान बहुत प्यारे लग रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ, इमरान खान की रिहाई का ऑर्डर आया, कैसा महसूस कर रहे हो? खुशी हो रही है। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान की रिहाई का ऑर्डर आया है, रिहाई का ऑर्डर उन लोगों ने क्यों दिया? क्या इमरान खान सही थे, क्या लोगों के जज्बात देखे? सच हक के साथ अल्लाह है और अल्लाह के साथ इमरान खान है, ठीक है। इमरान खान सच्चा था, हक राय पे था, और इतने अवाम इतनी माओ बहनों की दुआएं थी, और हमारी अदलिया को सलाम है जिन्हें जुर्रत का मुजाहरा किया, और हमारे जो पावरफुल एजेंसियां है उनको मुंह तोड़ जवाब है कि हमेशा हक की फतह है और इमरान खान की फतह है। जज्बा इतना है कि वो लड़की बाइक पर चढ़ के खड़ी है, ये जज्बा इमरान खान ने हमें पैदा किया और हमारे अंदर पैदा किया, और हम इमरान खान के लिए मरने मिटने के लिए तैयार।